गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परियार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज सुबह की वोकैबुलरी की क्लास नंबर 32 जो थोड़ी सी लेट हो गई है किसी कारणवश, तो उसके साथ हम आपके साथ उपस्थित हैं, हाजिर हैं। बिल्कुल आपका जो बिल्कुल स्नेह बना हुआ है हमारे साथ इस क्लास के साथ, वो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप इंग्लिश की क्लास के साथ बिल्कुल मन से मन जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे पास वोकैब नंबर 89, इम्पीचमेंट। क्या होता है इम्पीचमेंट का मतलब? इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। महाभियोग एक ऐसा आंदोलन टाइप है, ये ऐसा कृत्य है जहाँ पर किसी चीज़ को हटाने के लिए, पदस्थ करने के लिए। अपदस्थ मतलब क्या होता है, जो कोई चीज़ राष्ट्रपति के पद पर हो, कोई प्रधानमंत्री के पद पर हो, उसको हटाने के लिए एक अभियोग चलाया जाता है, उसको बोलते हैं महाभियोग। जैसे ए चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट मेड अगेंस्ट द होल्डर्स ऑफ ए पब्लिक ऑफिस, यानी पब्लिक ऑफिस में उसके जो चार्ज है वो चेंज लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा उसको चेंज कर लीजिएगा। वो क्या है चार्ज? चार्ज का मतलब होता है आरोप, मिसकंडक्ट का मतलब होता है दुर्व्यवहार, यानी उसके ऊपर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया जाता है उसके खिलाफ, अगेंस्ट द होल्डर यानी उस होल्डर के खिलाफ, ऑफ ए पब्लिक ऑफिस, यानी पब्लिक ऑफिस मतलब सार्वजनिक ऑफिस, या कोई प्राइवेट ऑफिस में नहीं होता है, पब्लिक ऑफिस में होता है। तो पब्लिक ऑफिस में किसी व्यक्ति के दुर्व्यवहार के कारण उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, उस आरोप को ही महाभियोग कहते हैं। तो ये चेंज को चार्ज कर लेना, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। उसके बाद इसका सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो सिनोनिम्स क्या होता है? एक्यूसेशन, एक्यूसेशन का मतलब होता है उस चीज़ को हटा देना, ठीक है। हाँ, इंडाइसमेंट अपदस्थ कर देना, प्रोसिक्यूशन चार्ज, साइटेशन मतलब किसी के ऊपर आरोप लगा देना, किसी के ऊपर प्रत्यारोप लगा देना, किसी को अपदस्थ करने की जो घटना होती है, उन सबको सिनोनिम्स होते हैं। वहाँ एंटोनिम्स की बात करें तो अप्रूव्ड मतलब उस चीज़ को सेटल कर देना, उस चीज़ को बिल्कुल स्थायी कर देना कि नहीं भाई इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कमेंडेशन कर देना उसका, कॉम्प्लीमेंट कर देना, उसकी प्रशंसा कर देना। तो यहाँ पर ये हो रहा है इसके एंटोनिम्स। यूज देखें तो इफ़ यू अटेम्प्ट टू बिट्रे योर कंट्री, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, अटेम्प्ट का मतलब प्रयास करना, यदि आप अपने देश को धोखा देने का प्रयास करते हो, एंड कॉट और पकड़े जाते हो, बी रेडी तो तैयार रहिए टू फेस इम्पीचमेंट, तो आप बिल्कुल महाअभियोग के लिए तैयार रहिए, एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिस और उसको आपको ऑफिस से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार की घटना है, बिल्कुल आप बिल्कुल आराम से देखिए, देखो कितने प्यारे प्यारे वर्ड आ रहे हैं आपके पास, इम्पीचमेंट और ये, इनको रोज़ रिवाइज़ करिए। रिवाइज़ नहीं करेंगे तो ये सब वर्ड आपको थोड़े दिन बाद अजनबी से लगेंगे। चलिए आगे चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, वर्ड नंबर 90, आउटराइट। आउटराइट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, जैसे कि क्लियर एंड अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है बिना झगड़े के, जैसे कि मैं बोलता ना ये बात स्पष्ट है कि बस यही रहेगा आदमी, बस इस आदमी यही मतलब इस कंपनी का चेयरमैन यही आदमी रहेगा, इस कंपनी में मैनेजर यही रहेगा, क्लियर है, डिस्प्यूटेड है, अनडिस्प्यूटेड। तो सिनोनिम्स क्या बोलेंगे इसके? क्लियर, डेफिनेट निश्चित है, स्ट्रेट बिल्कुल एकदम सीधा, एब्सोल्यूट बिल्कुल सही, कंप्लीट पूर्ण, ठीक है। एम्बिगियस, इसके जो एंटोनिम्स होंगे वो एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? जहाँ पर अस्पष्टता हो। कंडीशनल का मतलब होता है जहाँ पर कंडीशन रखी हो कि भाई देखो ये चेयरमैन तो रहेगा पर कंडीशन ये है कि, तो मतलब वहाँ पे स्पष्टता नहीं, ठीक। इसके यूज़ के बारे में बात करें तो ही हैज़ वॉन एन आउटराइट मेजोरिटी इन लेजिस्लेटिव इलेक्शन, मतलब ही हैज़ वॉन मतलब उसने जीत लिया है, क्या जीत लिया है? एक मेजोरिटी इन लेजिस्लेटिव इलेक्शन। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसको लेजिस्लेटिव बोलते हैं। विधानसभा में जो आदमी चुन के आता है ना उसको बोलते हैं हम MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा सदस्य। तो लेजिस्लेटिव जो इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनती है उसके जो इलेक्शन होते हैं उसमें उसको मेजोरिटी मतलब बहुमत मिला, आउटराइट मतलब स्पष्ट, यानी उसको स्पष्ट बहुमत के साथ उसने लेजिस्लेटिव इलेक्शन को जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो वर्ड हो चुके हैं, आउटराइट हो चुका है। थर्ड वर्ड इज नंबिंग। नंबिंग का मतलब क्या होता है? एक अनुभव या स्थिति होती है, ये गलत लिखा है थोड़ा सा, ये एक अनुभव या स्थिति होती है जहाँ पर आदमी क्या होता है जड़वत हो जाता है। क्या हो जाता है? जड़वत,
ठीक है, क्या होता है जड़वत, मतलब बिल्कुल एकदम जैसे कि आपके ठंड में निकलते हो आप और ठंड में आप ठिठुर जाते हो, ठिठुर, तो वो ठिठुर जो होता है वही आपका क्या है, नंबिंग होता है। तो मीनिंग यूज्ड अबाउट एन एक्सपीरियंस और सिचुएशन मेकिंग यू अनेबल टू फील और थिंक एनीथिंग और रिएक्ट इन ए नॉर्मल वे, मतलब आपको सोचने पर और आपको महसूस करने के ऊपर क्या होता है, असमर्थ कर देती है। जब आप बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड हो और कड़ाके की ठंड हो के अगर आप अंदर मतलब बाहर चले जाते हो तो आप क्या होते हो, ठिठुर जाते हो, मतलब आपको ना तो दिमाग काम करता है ना मन काम करता है ना आपकी तो हाथ भी आपके हाथ भी नहीं हिलते, तो ना तो फील कर सकते हो ना थिंक कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं जड़वत कर देना, ठिठुर जाना, तो ये नंबिंग है। तो यहाँ पे नंबिंग का मतलब क्या हो रहा है, ठिठुर जाना, ये अनुभव या स्थिति तो है पर अनुभव या स्थिति नहीं है, ये सेंटेंस अधूरा है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा पूरा कर लीजिए। ये अनुभव या स्थिति नहीं है, इसका मतलब होता है जड़वत कर देना, जड़वत मतलब, और ठिठुर, ये नंब अगर वर्ड होता है यहाँ पे, देखिए अगर एक वर्ड है नंब, नंब अगर वर्ड है तो इसको वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे और इसका मतलब होता है सुन्न कर देना, जड़ कर देना। जैसे कि वी वर नंब्ड बाय द ड्रेडफुल न्यूज़, यानी आपको पता है जैसे कि कोई भयानक सी न्यूज़ आपने सुन ली तो वो उसने आपको क्या कर दिया, जड़वत कर दिया, बिल्कुल आप बिल्कुल आंखें फटी की फटी रह गई, बिल्कुल बोल नहीं रहे हो। तो ठीक है, होता है कभी कभी जैसे कि होता है अरे वो पापा जी शांत हो गए, ओह तो आपको क्या कर दिया, जड़वत कर दिया। तो वी वर नंब्ड बाय द ड्रेडफुल न्यूज़, यानी हम एक भयानक न्यूज़ सुनकर जड़वत हो गए। तो नंब का वर्ब के रूप में यूज़ किया जा सकता है। अब हम सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब होता है फ्रीज कर देना, बिलर उसको एकदम स्तब्ध कर देना, आईसी का मतलब बर्फ जैसा कर देना, बाइटिंग, चिली, ये सारी चीज़ें क्या हरी है आपकी, किसी चीज़ को जड़वत कर देना। या आगे ब्लेजिंग मतलब होता है जला देना, बॉइलिंग, बर्निंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, एंटोनिम्स हैं इसके। नंबिंग कोल्ड इज गोइंग टू कंटिन्यू इन दिल्ली एनसीआर, नंबिंग कोल्ड का मतलब होता है जड़वत करने वाली ठंड, यहाँ पे नंबिंग को आपने एडजेक्टिव बना दिया, कोल्ड की एडजेक्टिव है, तो नंबिंग कोल्ड का मतलब होता है जड़वत करने वाली ठंड, ठिठुरने वाली ठंड, वह अभी भी दिल्ली एनसीआर में चल रही है, कंटिन्यू चल रही है और वह कई दिनों तक चलेगी, जैसे ठंड का दिन का है उस प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबिंग कोल्ड। आज आपने तीन वर्ड पढ़े, इम्पैचमेंट, आउटराइट, नंबिंग। इम्पैचमेंट महाभियोग, आउटराइट मतलब स्पष्ट, और नंबिंग का मतलब जड़वत कर देना। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो देखो धीरे धीरे हम करते करते 150 तो पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पे 150 के बाद आज 151 से पढ़ेंगे। ठीक है, ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, एक आदमी जो अपनी कंट्री को छोड़ देता है, लिव्स मतलब छोड़ देता है और दूसरी कंट्री में रहने लग जाता है, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। इसका मतलब होता है, देखो यहाँ पे हम चार पांच वर्ड है उनको एक साथ याद करेंगे, इमिग्रेंट। पहली बात तो जो ग्रेंट होता है ना जिसको बोलते हैं मिग्रेंट, एक वर्ड होता है मिग्रेंट, मिग्रेंट का मतलब होता है रहना। अब आदमी अगर बाहर से आके रहता है, जैसे अपनी घर कंट्री को छोड़ता है, छोड़ता है का मतलब होता है ई करता है, ई का मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट मतलब होता है बाहर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। वैसे जनरली इसके लिए वर्ड होता था उत्प्रवासी, उसको बोलते हैं देश त्यागी। क्या होता है, देश त्यागी। अब आगे चलते हैं, मतलब अपना देश छोड़ ही देता है और दूसरी जगह बिल्कुल रहने जग जाता है, मतलब अपने देश को बिल्कुल। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, अब एक आदमी वहाँ एक देश से आता है दूसरे देश में सेटल होने के लिए, ठीक है, रहने के लिए नहीं, सेटल होने के लिए। सेटल होने के लिए मतलब जैसे कि देश में व्यापार करने के लिए, किसी कुछ काम करने के लिए, वो सेटल होने के लिए आ रहा है, रहने के लिए और अलग है चीज़। तो उस प्रकार के लोग को बोलते हैं इमिग्रेंट, मतलब वो लोग आते हैं और उसको बोलते हैं अप्रवासी। जैसे अप्रवासी भारतीय होते हैं कि नहीं बोलते हैं, अप्रवासी भारतीय, तो ये होते हैं अप्रवासी, वहाँ पे सेटल होने के लिए आते हैं। चलिए आगे चलते हैं हमारे, मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, अब एक आदमी एक देश से दूसरे देश जाता ही रहता है, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, माइग्रेशन।
जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मंगवाते हैं, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट विक्रम यूनिवर्सिटी से किया है और उसके बाद आपको फिर उसी दूसरी यूनिवर्सिटी जाना है तो आपको वो क्या होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, जिसके लिए हिंदी में वर्ड होता है प्रवर्जन। कौन सा सर्टिफिकेट? प्रवर्जन। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास वन हु लिव्स इन ए कंट्री विदाउट सिटीजन, यानी एक आदमी जो बिना किसी सिटीजनशिप के वहाँ पर रहता है तो उसको बोलते हैं एलियन। एलियन तो पढ़ा ही होगा आपने, उसको बोलते हैं अन्य देशी। एक कोई मिल गया, आपने फिल्म भी देखी होगी, वहाँ पे एक आदमी आ जाता है ना, तो उसको हम एलियन बोलते हैं। एलियन मतलब होता है अन्य देश से आया हुआ, ठीक है। वन हु कमिट्स द फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक ऑफेंस और हॉस्टिलिटी, यानी एक आदमी जो अटैक करता है और जो पहले करता है, जैसे कि एक आदमी होता है, जैसे एक देश है, एक देश ने दूसरे देश पर अटैक किया, तो किसी ने जो पहले किया, ऑफेंस किया या हॉस्टिलिटी शत्रुता के कारण किया, तो उसको बोलते हैं एग्रेसर। एग्रेसर का मतलब होता है आक्रमणकारी। क्या बोलते हैं उसको? आक्रमणकारी, या फिर उसको मास आक्रमणकर्ता। आक्रमणकर्ता का मतलब होता है जो सबसे पहले काम कर रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर जो चीज़ हो गई है, तो पांचवा, जो दूसरे देश में जाके अपने देश को छोड़ देता है दूसरे, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट ई मतलब होता है बाहर, और जो आई अंदर आता है, यानी एक देश से दूसरे देश के अंदर आता है सेटल होने के लिए, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, अप्रवासी। जो एक देश से दूसरे देश में जाता ही रहता है उसको बोलते हैं माइग्रेशन। जो बिना सिटीजनशिप के नागरिकता के रहता है उसको एलियन, और जो पहला अटैक करता है उसको बोलते हैं एग्रेसर। यानी इसका मतलब कह सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे, जैसे कि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होती है, तो सबसे पहले एग्रेसर कौन होता है? पाक। तो पाक इज एन एग्रेसर कंट्री, यानी वो क्या है, बिल्कुल आक्रमण करता है, सबसे पहले अटैक करता है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को देख सकते हैं, जैसे कि माय नेबर इज ए एग्रेसर, यानी मेरा जो पड़ोसी है वो क्या है, एग्रेसर है, मतलब पहले अटैक करता है, पहले बहुत करता है, उसके बाद हम बात करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। चलिए अब हम टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट वही है पूरा, पांच क्वेश्चन। ट्रेजन का आपको एंटोनिम से बताना है, इनिमिकल का आपको सेंटेंस बनाना है, फैक्शन के आपके सिनोनिम से लिखना है, और इनकेपेबल ऑफ बींग रिपेयर्ड को आपको, और इन इफेक्ट विच हैज़ ए रेफरेंस टू द पास्ट, इनका आपको क्या लिखना है, वन वर्ड लिखना है, ठीक है। आशा करते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए सॉरी, पर आशा करते हैं कि ये टेस्ट आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल मज़ा आया होगा, और आप जो बिल्कुल जिस प्रकार से इस टेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, और हम यहाँ पे बिल्कुल आपके साथ हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।